नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय गौ माता। जो हमारी जमुना गाय थी उसका देहांत हो गया था, जब उसका बच्चा देने के टाइम, डिलीवरी के टाइम उसका देहांत हो गया था, उसको प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी, तो उसकी याद में हम हर रोज मंदिर में दिया जलाते, धूप अगरबत्ती करते, उस हिसाब से हम भगवान को भी याद करें और हर रोज जमुना का भी मुँह देखे और उसको भी याद करें। हमने उसके फोटो तो बनाए हैं, लेकिन ये भाई साहब हमें मिले तो ये बहुत ही अच्छे मूर्ति कलाकार हैं। तो इन्होंने, हमने देखो जमुना की मूर्ति हूबहू जैसे ही जमुना है ऐसे ही बना दी, देख सकते हो आप। अगर आपको भी किसी भी आपकी, अगर आपकी बहुत ही अच्छी गाय है, अति प्रिय गाय है, अगर उसकी भी आप मूर्ति बनाना चाहते हो तो ये भाई का कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। हम स्क्रीन पे इनका नंबर दे रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है ये भाई साहब का है, आप कभी भी इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसी की ऐसी मूर्ति आपको अगर बनानी है, आपकी कोई भी अति प्रिय गाय हो, तो ये भाई साहब का जरूर कॉन्टैक्ट करिए। मैं जमुनागिर गौशाला से सनी भाई हूँ, सूरत गुजरात से। नमस्कार, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो मित्रों, ये थे जो जगदीश भाई, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इसका नंबर देखो आगे ही हमने दिया है, वो पीछे का नंबर हमारा है, उनका नंबर आगे है, फिर हमने एस लिख के देखो पीछे भेजा हुआ है। देखो हमने उसका मुँह भी बनाया है जमुना का, और उसकी पूरी मूर्ति भी बनाई है, जैसी जमुना थी वैसी की वैसी मूर्ति बनाई है। और ये हमारी जमुनागिर गौशाला, और हम काफ़ी सारी गौ माता का, जो हमारी जितनी भी गौ माता है उसमें से काफ़ी सारी हमारी सिलेक्ट जो गौ माता है उन सबकी हम मूर्ति बछड़ी की भी बनाने वाले हैं। तो मित्रों, ये हमारी कपिला है, इसकी भी हम मूर्ति बनाने वाले हैं, हमने आपको बोला ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसकी मूर्ति बन गई तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो मित्रों, जमुना की जो कहानी थी वो हम आज आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे पास अंत तक बने रहे ताकि हम देखो जमुना की कैसे मूर्ति बनी है, किस टाइप की जमुना गाय थी, उसकी मूर्ति देखो जैसी की जैसी जमुना थी वैसी, और ये देखिए उसका बछड़ा है धर्मेंद्र। तो आज हम आपको धर्मेंद्र की पूरी पेडिग्री बताएंगे।